वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से हमारा विनम्र अनुरोध है। हम उनसे आज प्रार्थना करने आए हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि जब हम आपकी वेबसाइट खोलते हैं अपनी मेरिट लिस्ट देखने के लिए, तो वहां पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिख रहा है वेबसाइट के बीचों बीच लगा हुआ, जिसपे लिखा है कि 9 अक्टूबर 2021 को स्थायी मेरिट सूची जारी हो जाने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी कोई भी परिवर्तन ना करें, लेकिन कम से कम 9 अक्टूबर 2021 को हमें हमारी मेरिट तो दे दें। लेकिन हम आपको संज्ञानित कर दें कि 9 अक्टूबर को जा चुकी है, बीत चुकी है, 9 अक्टूबर चला गया है। हो सकता है आपके कैलेंडर में 9 अक्टूबर पर ही डेट अटक गई हो, वो डेट नहीं बदल रही हो, तो प्लीज आप उसको चेंज कर लें। 9 अक्टूबर को चला गया है, 10 अक्टूबर भी चला गया है, 11 अक्टूबर भी चला गया है, 12 अक्टूबर भी अब से थोड़ी देर बाद चला जाएगा। अभी 10:30 हो रहे हैं, 12 बजे 12 अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा। तो प्लीज 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 आपसे बहुत सारी रिक्वेस्ट है हमारी कि इस मैसेज को तो कम से कम आप हटा ही दीजिए या इसको अपडेट कर दीजिए, क्योंकि आप इसको हटाएंगे या अपडेट करेंगे तो हमको कम से कम ऐसा तो लगेगा कि यूनिवर्सिटी कुछ कर रही है। अभी तो हमको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट बनाकर और उस पर ये मैसेज लगाकर भूल गई है, उसको स्टूडेंट को कोई अपडेट नहीं देनी है। कम से कम इस मैसेज को अपडेट कर दें, 9 अक्टूबर की जगह 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, जो भी डेट आपको डालनी है प्लीज उसको डाल दीजिए, लेकिन ये मैसेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप हटा दीजिए। ये मैसेज अब हमको बहुत बुरा लगने लगा है, हमको इससे तकलीफ होने लगी है। तो आपसे प्लीज हमारी वापस से विनर अनुरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस मैसेज को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हटाइए या अपडेट कीजिए, चेंज कीजिए, मेरिट लिस्ट लेके आइए, जल्दी से जल्दी लेके आइए। आपसे हम वापस से अनुरोध करते हैं कि मेरिट लिस्ट आप लेके आइए और जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके अंदर उसकी अपडेट दीजिए। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।